हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। आज की जो मैं वैकेंसी आपके लिए लेकर आया हूँ वो ONGC में आवेदन मांगे गए हैं। रिक्रूटमेंट यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पर आपको कोई भी इस फॉर्म को भरने के लिए फीस भी नहीं देनी है और किसी प्रकार का एग्ज़ाम भी नहीं होना, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो केवल मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। तो और क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, ऑल इंडिया जॉब है, मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट कर सकता है, तो इसके लिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथियों, उस वैकेंसी के बारे में पूरी अपडेट दूं मैं, उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर लें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जो इसी तरह की जो लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं जैसे ही चैनल पर अपलोड हों उनके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें और आप तुरंत जो वैकेंसी आई उससे अपडेट भी रहें। आज की जो वैकेंसी आ रही है वो ONGC में रिक्रूटमेंट ये मांगे गए हैं 214 अप्रेंटिस पदों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आई हुई है वैकेंसी, शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है और यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन संख्या भी देख पाएंगे। और अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए वैकेंसी है, 214 पदों के लिए वैकेंसी है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा और भी जो पोस्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ और देख लीजिए, जैसे कि अकाउंटेंट के 5 पद हैं यहाँ पर और असिस्टेंट HR के 125 पद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 46 पद और इलेक्ट्रीशियन के 5 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 3 पद और यहाँ पर देख पा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 8 पद, लैबोरेटरी असिस्टेंट के 12 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर के यहाँ पर या प्रोग्रामिंग जो असिस्टेंट होते हैं उनके लिए 10 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। तो अलग अलग यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से वैकेंसी ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसका जो जॉब का लोकेशन है वो मुंबई है, जॉब यहाँ पर आपको महाराष्ट्र मुंबई में आपको जॉब मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है। ऑल इंडिया जॉब है, मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 23 जुलाई से इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, 31 जुलाई तक का ही समय दिया गया है केवल आवेदन करने के लिए। तो जल्द से जल्द आवेदन करें क्योंकि काफ़ी कम ही समय बचा है आवेदन करने के लिए। कोई भी इसके लिए आपको फीस पेमेंट नहीं करनी, मैंने पहले भी आपको बताया है, एकदम फ्री है किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन, अकाउंटेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन जो आपका है कॉमर्स होना चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट बोर्ड से, ठीक है, यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद इतना ही। असिस्टेंट HR में अगर आप करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री आपको चाहिए, ग्रेजुएशन BA BBA किसी भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से कहीं से भी क्वालिफाई हैं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए ITI चाहिए आपको, सेक्रेटरियल असिस्टेंट ट्रेड में तो आवेदन कर पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन में ITI चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, तब यहाँ पर आवेदन होगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपको ITI चाहिए सेम ट्रेड से, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे जो इंस्ट्रूमेंट का मैकेनिक है इससे भी संबंधित आपको ITI चाहिए। और इसके बाद जो लेबोरेटरी का असिस्टेंट का यहाँ पर है इसमें BSc और इसके साथ PCM के साथ PCB ITI लैब असिस्टेंट का यहाँ पर आपके पास अगर है केमिकल प्लांट तो ही आप इसके लिए ट्रेड के लिए तभी आवेदन कर पाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको ITI कंप्यूटर ऑपरेटर का या प्रोग्रामिंग का होना चाहिए तब इसके लिए आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये इसका जो प्रोसेस है पूरा आवेदन करने का क्वालिफिकेशन का आप यहाँ से देख लीजिएगा, मैंने बता दिया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और PDF फाइल जो इसकी है जो जारी की गई उसमें थोड़ा सा और इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको बढ़िया से क्लियर किया गया है तो वहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे। मिनिमम उम्र सीमा आपको 18 वर्ष, मैक्सिमम 24 वर्ष तक के अभ्यर्थी केवल आवेदन कर सकते हैं। 5/8/2019 से आपको ये जो आयु सीमा है वो काउंट की जाएगी यहाँ पर। और सिलेक्शन प्रोसेस जैसा मैंने पहले बताया मेरिट के हिसाब से ये किया जाएगा, मेरिट के अनुसार जो आपकी मार्कशीट होंगी जो लगेंगी उन्हीं की मेरिट के अनुसार यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। और इसका आवेदन करने का एक तरीका यहाँ पर ऑफलाइन भी दिया गया है, किसी भी डाक घर से या रजिस्टर कोरियर से कैसे भी आप इसको भेज सकते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोरियर से इस एड्रेस पर आपको ये अपना जो लिफ्ट रहेगा सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद यहाँ से सेंड करने रहेंगे। और एक आपका फॉर्म रहेगा, वो फॉर्म तो मैं अभी PDF फाइल आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। उस फॉर्म को भरने के बाद उसके नीचे अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाने और फिर आपको इस एड्रेस पर सेंड कर देना रहेगा, ठीक है। ये इस तरह से सेंड करना है कि आपको 31 जुलाई से पहले ही पहुंच जाए, ओके।
उसके बाद यहाँ पर जो आपको सैलरी है मिनिमम 55,000 रुपये तक की मिल सकती है। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं, और इसका जो मैनुअल है कैंडिडेट जो मतलब कि किस प्रकार से आवेदन करना है यहाँ से क्लिक करिएगा, पीडीएफ फाइल है डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आवेदन किस प्रकार से करना है। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते आप ऑफलाइन करना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करिए, यहाँ से आप सारा नोटिफिकेशन भी पढ़ पाएंगे, और नोटिफिकेशन सबसे लास्ट के जो 4-5 पेज हैं वो इसका फॉर्म का फॉर्मेट है, उसको प्रिंट कर लीजिएगा और उसको आप फिल करके ऑफलाइन भी भेज सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहाँ से जा सकते हैं। तो ये इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वैकेंसी की, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप अगर आप योग्यता रखते हैं संबंधित हैं इस वैकेंसी से तो आप तुरंत आवेदन करें। कोई मन में आपके सवाल है, कोई शंका, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पेज पर आ जाएंगे, अच्छे से इसको रीड भी कर पाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स जो पीडीएफ फाइल हैं ऑनलाइन आवेदन है सब चीज़ें यहाँ से आप कर पाएंगे। तो लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उन तक भी ये अपडेट पहुँच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जो इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के आते रहें उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।